नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 2 फरवरी बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। होटल जय संजय के ऑनर संजय यादव को एक दंपत्ति ने 30 लाख रुपए का चूना लगा दिया। दंपत्ति ने फाइनेंस कंपनी में गिरवी प्लॉट को कर्ज मुक्त बताकर 30 लाख रुपए हासिल किए और बाद में वे भाग गए। दरअसल महावीर बाग के निवासी नवीन पिता बाबूलाल शर्मा और उसकी पत्नी अंजू ने MR5 स्थित ग्रेटर रतन एक्सटेंशन के 2 प्लॉट का सौदा संजय यादव से किया। प्लॉट को उन्होंने फाइनेंस से मुक्त बताया था, जबकि प्लॉट पर निजी फाइनेंस कंपनी से 23,46,000 रुपए का लोन लिया हुआ था। जब संजय को प्लॉट पर लोन होने की जानकारी मिली तो उसने सौदा निरस्त करते हुए रुपए वापस मांगे, तो दोनों कुछ दिन तक तो उसे टालते रहे, बाद में रफू चक्कर हो गए। इस मामले में शिकायत चिमनगंज थाने में की गई है। आगर नाके पर लगे जियो कंपनी के 5G टावर में मंगलवार रात करीब 12 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसने थोड़ी ही देर में टावर के ऊपरी हिस्से तक को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ दिन पहले ही क्षेत्रीय रहवासियों ने टावर को लेकर विरोध जताया था। ये जियो का 5G टावर है और जबरदस्त इसमें आग लगी हुई है। क्षेत्र के रहवासियों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन प्रशासन नगर निगम की कानों पे जू नहीं रेंग रही है। क्षेत्रीय रहवासी को जान माल का खतरा है। ये आप देखिए, जबरदस्त आग लगी हुई है। दरअसल आग लगने की शुरुआत रात करीब 12 बजे हुई। टावर के निचले हिस्से से शुरू हुई आग ने पहले धीरे धीरे और बाद में तेजी से आग पकड़ ली। जियो का ये टावर मकानों से एकदम सटा है। लोगों ने आग लगने की सूचना तत्काल दमकल को दी और करीब आधे घंटे बाद पहुंची दमकलों ने पानी डालकर आग बुझाई। शुक्र ये रहा कि समय रात का था और हवा नहीं चल रही थी, अन्यथा आग आसपास के मकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। क्षेत्रीय रहवासी और कांग्रेस नेता ओम घुरिया ने बताया कि कंपनी वालों को पहले भी टावर लगाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। गौरतलब है रहवासी इलाके में लगे इन टावरों में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में यह आग कभी भी घातक हो सकती है। ये देखिए, भीषण आग लगी हुई है जियो टावर में, नाका नंबर 5 आगर रोड पे। अभी 3 दिन पहले भी इसके लिए मना किया गया था, जब आज भी इन्हें चालू किया। फ्रीगन क्षेत्र के होम अप्लायंस व्यापारी से दिल्ली के एक ठग ने माल देने के नाम पर 73,000 रुपए की ठगी कर ली। 2 साल तक चली जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल बेताल मार्ग पर होम अप्लायंस दुकान संचालित करने वाले लक्ष्मण ज्ञान चंदानी ने स्पिनिंग क्लीनिंग माप के लिए गूगल पर सर्च किया था। गूगल ने दिल्ली की गोपाल एंड गोपाल कंपनी को सप्लायर बताया था। इस पर ज्ञान चंदानी से गोपाल टंटी ने संपर्क किया था। उसने खुद की यूनिट बताते हुए माप सप्लाई की थी। 1 मई 2020 को ज्ञान चंदानी ने 400 नग माप और 50 नग मॉप रॉड सेट का ऑर्डर किया था। गोपाल ने माल भेजने से पहले एडवांस मांगा तो ज्ञान चंदानी ने 5,000 रुपए ऑनलाइन उसके खाते में ट्रांसफर किए। उसने इस राशि को कम बताते हुए और राशि मांगी तो 30,000 रुपए फिर ज्ञान चंदानी ने ट्रांसफर कर दिए। टंटी ने ज्ञान चंदानी को झांसा दिया कि वह जल्दी गाड़ी निकाल रहा है, इसलिए वे उसे और रुपए भेजे। तो ज्ञान चंदानी ने मक्सी रोड की बैंक ऑफ इंडिया शाखा से 2 बार में 30,577 व 13,000 RTGS कर दिए। इस तरह कुल 73,577 का भुगतान करने के बाद गोपाल ने फोन बंद कर लिया। व्हाट्सएप पर भी उसने मैसेज लेना बंद कर दिए। ऐसे में जैसे तैसे ज्ञान चंदानी ने गोपाल से संपर्क किया और उसे FIR की धमकी दी, तो उसने बताया कि पार्टनरों के बीच विवाद हो गया, ऐसे में वह जल्द ही भुगतान कर रहा है। गोपाल ने एक दिन 50,000 रुपए की NFT की फर्जी रसीद ज्ञान चंदानी को भेज दी। ऐसे में उन्होंने माधवनगर थाने में ठगी का आवेदन दिया। पुलिस ने जांच के बाद गोपाल टंटी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। लक्ष्मण ज्ञान चंदानी जी निवासी फ्रीगन द्वारा एक आवेदन दिया था कि दिल्ली का एक युवक है, उसके द्वारा जो कुछ सामान का प्रलोभन देके और उससे पैसे मांगे गए थे, जो फरियादी द्वारा पैसे उसके अकाउंट में जमा भी किए गए हैं। उसके बाद भी कई बार बोलने में बात होने के बाद भी उसने सामान नहीं भेजा और धोखाधड़ी की। इसके संबंध में दिल्ली का एक युवक है, उसके अगेंस्ट में धारा 420 और 406 का अपराध पंजीकृत। इसके द्वारा 3 किस्तों में लगभग 80,000 रुपये जमा किए हैं, जो कि उसको लौटाए भी नहीं है। तराना का एक बदमाश शहर में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था।
उज्जैन की 0 पॉइंट कलाली से बाइक उड़ाकर तराना जा रहे बदमाश को गोपालपुरा ब्रिज के पास पुलिस ने रोका और वाहन के कागजात मांगे तो वह चुप्पी साध गया। पूछताछ करने पर उसने वाहन चोरी की 4 वारदातों का खुलासा किया है। दरअसल तराना का रहने वाला बदमाश संतोष वाहन चोरी करने उज्जैन आया था। गोपालपुरा ब्रिज के पास सिविल ड्रेस में माधवनगर पुलिस चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान उसे पकड़ा गया। उसके पास बाइक के कागजात नहीं थे, ऐसे में उसे थाने लाकर पूछताछ की तो उसने वाहन चोरियों का खुलासा किया। संतोष चोरी का आदी है और तराना में भी उस पर कई प्रकरण दर्ज है। आरोपी वारदात के लिए शराब दुकानों का चयन करता था, यहाँ से बाइक चुरा कर सबसे पहले उसका हैंडल लॉक तोड़ता और फिर वायर से कनेक्ट कर बाइक लेकर फुर हो जाता था। अब तक उसने अकेले ही वारदात करना कबूल किया है। आरोपी से 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। जिस बाइक पर वो सवार था वह बाइक उसने 0 पॉइंट कलाली के पास से चुराई थी। माधवनगर TI मनीष लोधा ने बताया कि आरोपी अकेला ही वारदातों को अंजाम दे रहा था। माधवनगर पुलिस द्वारा जो वाहन चोरी लगातार हो रही थी उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार काम किया जा रहा था। वो 0 पॉइंट ब्रिज कलारी से कल एक चोर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था और उससे चोरी की एक मोटरसाइकिल और 3 पूछताछ पे 3 अन्य मोटरसाइकिल कुल 4 मोटरसाइकिलें बरामद की। ये अकेला ही तराना के पास के गाँव का है, जो अकेला ही आता था और कलारी से ही अधिकतर गाड़ियाँ ये चोरी करता था। उर्दूपुरा से लापता किशोरी मुंबई में पुलिस को मिल गई है। उसके साथ 2 युवक भी पकड़े गए हैं। दरअसल 16 साल की किशोरी 28 जनवरी को लापता हो गई थी। 29 जनवरी को परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराते हुए ईश्वर बंजार पर अपहरण का आरोप लगाया था। ईश्वर का मोबाइल पुलिस ने सर्विलांस पर डाला था, इसमें लोकेशन मुंबई मिली थी। पुलिस मुंबई पहुंची और ईश्वर को दबोच लिया। उसका एक साथी भी पकड़ा गया है। पुलिस तीनों को उज्जैन ले आई है। पिता को दवाई देकर एक किशोर लापता हो गया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की है। जबरन कॉलोनी के निवासी मोहम्मद अयास कुरैशी ने छोटे भाई 15 साल के रियाज कुरैशी की गुमशुदगी दर्ज कराई है। वह पिता को दवाई देकर घर निकला था। रियाज 6ठी के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है। वर्तमान में वह मदरसे में तालीम ले रहा है। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। तो आपने देखा अभय न्यूज़ का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।